अभी मैं स्क्रब दिखाने का फुल टाइम नहीं है, बट ये मैंने स्क्रब लिया था मेडीलैब से, तो आज मैंने न्यू स्क्रब पहना है और न्यू ही लैब कोट पहना है। गाइस फाइनली मेरी हॉस्पिटल में छुट्टी लग गई है, आज तक आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, लेट्स जाओ दिन का, तो मैं आज वहाँ जा रही हूँ। सो एक्साइटेड। कैंसर डिपार्टमेंट और ओपीडीज वगैरह यहाँ पर हैं, बाकी वार्ड्स वगैरह। आप सब लोग और ये मेरे नए फ्रेंड बने हैं हमारे ऑडिशन पे नए नए। ये मेरे एक कैंपस के नहीं है, ये नॉर्थ कैंपस के, और हम भी नॉर्थ कैंपस में आए हैं जो कि हमारे लगे ऑडिशन हैं, और काफ़ी टाइम के बाद मैंने टॉक किया है इसमें वेरी लॉन्ग, तो हाई कर दे, हाई कर दी मेरी ऑडियंस। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे क्वार हो रहे हैं आईसीयू से, सर्जिकल सर्जिकल आई सी जा रहे हैं, फिर एक्सपायरी सी आई सी आई थी, वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ से अब हम सेमिनार रूम में वेट करें। और तीन दिन आप सर ने बोला कि तुम लोग वेट करो थर्ड फ्लोर पे, फिर मैं वहाँ पे आऊँगा। अब ये जो बंदा है ना, ये मुझे एक साल से फॉलो कर रहा है इंस्टाग्राम पे, लेकिन उसको यही नहीं पता कि मेरा ब्लॉग भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जिस बिकॉज मैं इंस्टा पर इतना प्रमोट नहीं करती अपना ब्लॉग, ऐसे मुझे करना चाहिए, आप जाके लाइक करें। ठीक है, अगर मैं किसी सीनियर ने देखे ना, मेरी बेजती करेगा, तो मैं कहते हैं इतनी क्यूटी क्यूटीज बच्चे बच्चे आ रहे हैं, मैं गायनी वार्ड में हूँ बेसिकली, इतने क्यूटीज बच्चे हैं सारे, जब प्यार किया तो डरना क्या। इन हॉस्पिटल से आए हैं वापस ओपीडी, अपना बैग लेने, बैग लेने के बाद हम लोग दोबारा वहीं जाएंगे थोड़े चिटपिट खाने के लिए, उसके बाद फिर मैं निकलूँगी अपनी खाला के घर नॉर्थ कराची। गाइस हमने ओपीडी से अपना बैग ले लिया है, मैंने दो दो बैग लेके घूम रही हूँ मैं, एक छोटा वाला है और एक मेरा हैंड बैग है मेरे साथ जो होता है, और ये छोटा अभी पीछे लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ा रही है। लेके भी तो ऐसे जा रही हूँ। ये जा रही है फरवा हुसैन अपने घर, बच्चे है ना घर पेपर वेपर पड़े अंदर, मेरी बच्चों का होता है। देख रहे हो बैग, ऐसा लग रहा है स्टेशन में बैठे हुए। चलो मेन्यू आ गया। गाइस ये चार चार बड़े बड़े फ्लोर्स हैं यहाँ पर, सही है, और अभी ये लेकर आ रहे हैं। गाइस हमारी चना चाट आ चुकी है, हम ट्राई करेंगे कैसी है। नूर तो अपने लिए घर से लेकर आ गई थी मैक्रोनी सुबह सुबह बना के, ओए होए माशाल्लाह। देखो ये वो है फ्री की, और ये देख घर में बना के आए तो क्यों दिया, मुझे तो उसने एक दिया कल। मैं खालास होम, और अब मैं चेंज वेंज कर रही हूँ, फिर हम जाएंगे शायद मजलिस में। सो हम जो रमज़ान में मैं आई थी तीन चार दिन के लिए, जब आई थी रोज़ा कुछ आई थी, उसके बाद फिर मैं अभी आई हूँ कि आने की मजलिस है कल, तो फिर मैं कहा चलो आज ही सैटरडे था, और ड्यूटेशंस भी हमारी चल रही हैं अभी तीन चार दिन और ड्यूटेशंस के रहते हैं, तो चलो आनी ने बोला कि संडे का मजलिस है तुम आज ही आ जाओ, तो मैं नॉर्थ नाजमाबाद से नॉर्थ कराची आई हूँ। एन अब्बास जो है ना, ये बंदा ये नहीं सुनता, इसको बस होता है कि फरवा आप आई हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसको इनके कदमों में रख दूँ, ये भी खाओ वो भी खाओ, फ्राइज है अब इसने मेरे लिए पिज्ज़ा फ्राइज एंड अभी बर्गर मेरे लिए ऑर्डर किया। इधर आओ तुम, इधर आओ, मेरे लिए भी मंगाया तुमने, मैं मेरा तो पेट फुल था लेकिन तुम्हारे लिए फ्राइज भी लेकर आए थे। गाइस डे टू, और मैं नाश्ता कर रही हूँ, खाला मेरी चाय बनाने गई है मेरी। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, मैं नाश्ता वाश्ता करके फारी गई हूँ, अभी मजलिस है इन लोगों के मामा बाई में आने लोगों की, तो थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होकर फिर हम जाएंगे मामा बाई। लो गाइस गुड मॉर्निंग, कल मजलिस हो गई और आप हम जल्दी सो गए, आप हम 11 बजे सो गए थे, अभी उठी हूँ मैं 8 बजने वाले, बस खाला मेरी नाश्ता बना रही है, अब यहाँ से निकलूँगी जियाउद्दीन नॉर्थ नाजमाबाद हॉस्पिटल के लिए। जल्दी पहुँच गई, तब मैं 20-25 मिनट्स में पहुँच गई थैंकफुली, अब मैं बस अपनी ड्यूटी का वेट कर रही हूँ, वहाँ रखती है ड्यूटी। रीच्ड होम, पहले वहाँ खाला के घर गई, खाला के घर से फिर मैं अपने हॉस्पिटल गई, वहाँ ड्यूटी दी, उसके बाद फिर मैं 1 बजे वहाँ से निकली, अब मैं घर आ चुकी हूँ अपने, फिर मैं नहाई फ्रेश हुई और तो सुकून मिला मैं, अब मैं पता है इतनी थकी हुई थी आखिर में सो भी गई,
भूख लगी थी ना, मैं खैर रानी ने मुझे हलीम वलीम दी है, हलीम वगैरह दिए, तो मैं रोटी वगैरह लाई थी, अब मैं वही हलीम ही खाऊंगी। मैंने कहा चलो जो रानी ने दिया है ना वही खा लेते हैं। तो मैं अभी इसको गर्म करने जा रही हूँ प्लेट में करके। आज मेरी आईसीयू में ड्यूटी लगी है, थक गई बहुत ज़्यादा, बहुत इतना नहीं होता है, चल खड़े होना पड़ता है। सिचुएशन ये सिचुएशन से मुझे बहुत बड़ा रियलिटी चेक दे दिया है, क्योंकि पहले हमारी एक हफ्ते की लगी थी, अब तो पूरे 15-20 दिन की लगी है। और मैं थक गई बस बहुत, कल लास्ट डे फाइनली हमारा, लास्ट डे फाइनली। लास्ट डे ऑफ आर रोटेशंस एंड फाइनली जा रहे हैं घर। कल से हमारी क्लासेस शुरू हो गई, मज़ा आया, जो भी आया वह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। अभी जो है साइनिंग ऑफ यहाँ से नॉर्थ से, विल मिस यू नॉर्थ, मस्त तो करेंगे नॉर्थ को, थोड़ा मेहनत तो करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं नेक्स्ट हमारी रोटेशन कहाँ पर रखती हैं, तो फिर ये लाख सपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।